मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है फिर से। और अभी हम लोग आज डेट 3 की बात करेंगे, जो कि हम लोग त्रिचिरापल्ली में है। और आपको पता है हमारा 20 जम्बूरी ऑल इंडियन रेलवे का चालू है कैंप। ये पीछे आप मेरे टेंट देख सकते हैं, लेकिन इस टेंट में आज सोया नहीं था रात को। कल का आपने पार्ट 2 ब्लॉग देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आप मैं किचन में जाके सो रहा हूँ। उसके बाद मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, क्योंकि मुझे बड़ी नींद आ रही थी। आज सुबह मैं 6 बजे सो के उठ गया था। उठते से हम लोगों ने कुछ फ्रेश वगैरह कुछ हुआ नहीं, सीधा हम लोग किचन में काम करने लग गए। बच्चों के लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट, चाय, टी का तैयारी करने लगे। क्या सारी चीज़ों से फ्री होके अभी 8 बजे मैं सुबह सुबह निकला वहाँ से, किचन से, और टेंट एरिया में आया। और टेंट एरिया में आने के बाद मैंने यहाँ देखा, यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, जैसे कि इंस्पेक्शन वगैरह, मार्च पास वगैरह, और जो भी उनके कॉम्पिटिशन से आपको अलाउंस में आवाज़ आ रही होगी। तो मैं फ्रेश वगैरह हुआ वहीं अपने बाथरूम में, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो लिया है और वही कपड़े मैंने पहन लिया है। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या क्या चल रहा है। इसके बाद फिर किचन में मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी 2 दिन के लिए किचन में लगी हुई है। उसके बाद और देखते हैं फिर कहाँ लगती है। और आपको आज का सुबह का मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी बैक साइड का ये है। हम लोग नहा के कपड़े वगैरह ऐसे डाल देते हैं सुखाने के लिए, जो कि यहाँ हवा से सूख जाते हैं ठंडी। और ये देखो, सारे हमारे बच्चों ने यहाँ डाला हुआ है, जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं। बच्चे तो नहीं है सारे, हम इंडियन रेलवे के बच्चे। ये टेंट की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, साफ सफाई मैं आपको चल के दिखाता हूँ। उन्होंने कुछ गैजेट्स वगैरह बनाए हैं, ये बाल्टी ट्राईपॉड स्टैंड पर लगा के कचरे के लिए बनाए हैं। यहाँ बैग्स के लिए उन्होंने कुछ गैजेट्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह चालू है बच्चों का। तो क्लीन करो रे, क्या बात है, ये हमारे बच्चे क्लीन। हेलो, हाँ, ये मॉर्निंग व्यू आप देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। गेट वगैरह सब बनाया जा रहा है। ये यहाँ फ्लैग भी लग गया है, और फ्लैग के साथ साथ आप कैंप एरिना देख सकते हैं। ये हमारा सेंटर रेलवे का फ्लैग वगैरह, कैंप एरिना लग गया है, कपड़ों का बैग वगैरह। ये आप देख सकते हैं गेट किस तरीके से बनाया गया है ये इनकी तरफ से। और ये हमारे सलीम सर यहाँ है, और ये भाई हमारे, और ये हमारे साबिर भाई सोलापुर से ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हो गए हैं। और हमारे लड्डू भाई जो कि ड्रेस में रेडी है, नाश्ता बहुत दबा के करते हैं। ये आप देख सकते हैं कुशाल वगैरह आते हुए पानी लेके। और ये पूरा प्रोग्राम चालू है, ये पूरा बल्लियों से, बांस बाम्बू से इंस्पेक्शन का किट तैयार करते हुए। ये नॉर्दर्न रेलवे की टीम है आई थिंक। और यहाँ पूरा चल रहा है जो भी प्रोग्राम, यहाँ मार्च पास वगैरह चल रहा है। ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर के पास में, और वो सामने गर्ल्स का टेंट है गाइड्स विंग का, ये आप देख लीजिए। ये हमारे सूरज भाई मुंबई डिवीजन से पानी पीते हुए, और ये कुछ लोग नौका का पोस्टर बैनर लाते हुए आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये वेस्टर्न रेलवे का है, और ये वेस्टर्न रेलवे के बाजू में ये शायद ECR का है, ये सेंट्रल रेलवे का है, उसी के बाजू में SECR का है। सारी रेलवे अपना अपना गेट तैयार कर रही है। ये हमारे सेंट्रल रेलवे के बच्चे अपना सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हुए, सारे जहाँ से अच्छा प्रोनेसर इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल गैजेट्स वगैरह। ये क्लॉक टावर के पास से मैं जा रहा हूँ अभी, ये गाइड विंग का है पूरा सेक्शन, आप देख सकते हैं इस तरीके से रेडी हो गया है सब। और अभी मैं किचन की तरफ जाऊंगा, और किचन से कुछ सामान देखता हूँ, क्या क्या है, क्या खाना बनवाना है, आज का अरेंजमेंट क्या करवाना है, पूरा अरेंजमेंट देख के दोपहर में क्या खाने का प्रोग्राम है वो देखेंगे। और जो भी लंच रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी मैंने टी भी नहीं पिया, अभी मैं टी और ब्रेकफास्ट पीऊँगा। अभी तो मैंने सिर्फ फ्रेश होकर अपना किट लेके जा रहा हूँ मैं साथ में, आप देख सकते हैं। ये वेस्ट WCR का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, और वहाँ पे भी कुछ मार्च पास की प्रैक्टिस चल रही है, और काफ़ी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करके लौट रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग अपना अपना प्लेट लेके ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं। और हमारे ब्रेकफास्ट में आज टी और पोहा और फ्राइड राइस बना हुआ है, लेकिन मैं शायद किसी और रेलवे से लेके, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे से लेके खाने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने पनीर वगैरह बनाया हुआ है। उसका प्रैक्टिस चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ DRM साहब आ रहे हैं, सेलम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह आ रही है उनके स्वागत के लिए, ये सारी चीज़ें लगाई हुई है। और ये शायद फ्लैग का है, इसको बनाया हुआ है, और ये मेन ऑफिस है, कैंप ऑफिस है ये। ये पूरा कैंप एरिया पीछे से जो नज़र आ रहा है ना, इससे बाहर निकलते से आपको मिलेगा वहाँ पे।
हमारा किचन एरिया। ये यहाँ पे जो आपने देखा नेशनल हेडक्वार्टर का कैंप लगा हुआ है कुछ सामान बेचने के लिए, और ये तो आपको दिखाया ही था लास्ट वीडियो में, ये आपने देखा था जो बना हुआ है सेवन वंडर्स स्क्रैप से। ये टोटल गाइड विंग आके चाय पी के जाते हुए ब्रेकफास्ट करके बच्चे आ रहे हैं। पकड़ूं? क्या है ये ब्रिज? किस चीज का? रिवर क्रॉसिंग का ब्रिज होता है। रिवर क्रॉसिंग का ब्रिज बनाया हुआ है क्या? मूव कराते हैं। अच्छा, पोजीशन मूव होगी इसकी। ओके, कौन सी रेलवे से आप लोग? WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और हम आ गए अभी अपने किचन में इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं अंदर हमारे अलावा बाकी रेलवेज ने क्या क्या ब्रेकफास्ट बनाया है। जिसका पसंद आएगा उसमें हम जाके कर लेंगे ब्रेकफास्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस साइड में ये प्राइवेट स्टॉल्स लगे हुए हैं कुछ सामान बेचने के लिए, और ये मैं इस एरिया में सब लोग सारे इंडियन रेलवेज के बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। ये बच्चे लोग खाना खाते हुए ब्रेकफास्ट लेते हुए, और ये हमारे WCR रेलवे के अमन भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं। अमन भाई आज क्या बनाई? चौमिन। क्या बात है, आ रहा मैं थोड़ी देर में। बाकी यहाँ और भी कुछ पूरी सब्जी वगैरह बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं देखूँगा अपनी रेलवे में तो पोहा बनाया, और मुझे पोहा पसंद नहीं है, मैं पोहा खाऊँगा। हमारे यासीन भाई सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे से, अमित भाई सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे से हमारे बॉडी बिल्डर है, और इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, मैं यहाँ टैग कर दूंगा। जिसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है वो इनसे ले सकते हैं। देखो हमारे रेलवे में पोहा बना हुआ है, इसीलिए मैं खा नहीं रहा हूँ, और मैं प्लेट लेके खाली जा रहा हूँ नॉर्दर्न रेलवे में और WCR में, वहाँ चाउमीन खाऊंगा मैं। और जिन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है वो जो छोड़ दिया है वो सब गाय लोग खा रही हैं। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं स्कूल है, यहाँ पे बच्चे लोग अपना प्लेट धो रहे हैं, ये अंकल भी मज़ा ले रहे हैं खा के दवा के एकदम, ये भी मोबाइल पे बढ़िया मज़ा ले रहे हैं, फ़ोन पे बात करके इनका खाना हो गया है। अमित भाई तुम दवा के खाओ, चलने दो एकदम, चाय वाय भी लो। और ये हमारा सेंट्रल रेलवे का है, यहाँ हम लोग खाते ही नहीं है, सिर्फ बनाते हैं बस। अभी मैं जा रहा हूँ अपना खाली प्लेट लेके, और ये हमारे नॉर्दर्न रेलवे के दिनेश भाई हैं जो कि मुरादाबाद डिवीजन से हैं, इन्होंने दवा के खा लिया है। अभी अभी मैं धीरज के पास जाता हूँ नॉर्दर्न रेलवे के, जो मुरादाबाद डिवीजन है दिल्ली के, मुझे नहीं पता, उनसे भी मैं आलू का पराठा वगैरह ले लेता हूँ, क्या क्या बना है देख लेता हूँ उनके पास से मैं। ये देखो किस तरीके से बच्चे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ। ये लो डालो तो सर। ये नॉर्दर्न रेलवे से तो मैंने ले लिया है चाउमीन और पराठा, वेस्टर्न रेलवे से कुछ नहीं लिया, WCR से लिया है चाउमीन, और नॉर्दर्न रेलवे से पराठा लिया है। आपको बता देता हूँ आके टेस्ट किस तरीके से है, लेकिन पहले आप देख लो कि खाना कैसा बना हुआ है उनका। ये आलू का पराठा है और चाउमीन है, मैं खा के आपको टेस्ट बताता हूँ। और ये हमारा पानी का जार भी रखा हुआ है। अब नाश्ता हो गया है मेरा, चाउमीन मैंने आपके सामने देखा, नूडल्स वगैरह खा लिया, आलू के पराठे। अब मैं पानी की बोतल लेके जा रहा हूँ अपने वहाँ पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो उनका प्रोग्राम चल रहा है, वो लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं, यहाँ गर्मी बड़ी है, तो उनको पानी पिलाता हूँ। आप लोगों को क्या स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं, आप लोग भी देखो, मैंने भी नहीं देखा है प्रोग्राम अभी क्या चल रहा है, पता नहीं, वहाँ चल के पता चल जाएगा कौन सा इवेंट चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मैं जैसे ग्राउंड में आ गया हूँ, यहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, कुछ सामान अनलोड हो रहा है, और सामने स्टेज पे ना प्रोग्राम चल रहा है। अब क्या चल रहा है प्रोग्राम में तो वहीं जाके पता चलेगा। ये छोटे छोटे टेंट्स भी बना के रखे हुए हैं जिसमें कुछ फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन वगैरह की। और ये स्टेज पे शायद सेंट्रल रेलवे का प्रोग्राम है, और मैं भी इसी रेलवे से बिलोंग करता हूँ। आपको तो पता है मैं भी सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन से ही बिलोंग करता हूँ, और ये अभी शायद हमारे ही डिवीजन का प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम में जो आवाज़ आ रही है ना, ये प्रणय घोष नागपुर वाले जो हमारे सेक्रेटरी है उनकी आवाज़ है। ये आप देख सकते हैं सामने टेंट्स वगैरह में जजेस बैठे हुए हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे सेंट्रल रेलवे का ही इवेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर की बारी आते हुए।
के बैक साइड से जा रहा हूँ उनको पानी वगैरह देने के लिए। देखता हूँ ये स्टेज का बैक साइड, देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है और ये फ्लैग्स वगैरह लहरा रहे हैं। और पानी की हम लोग अभी देखते हैं, वो लोग गा के आएंगे तो पानी की कमी पड़ेगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी बॉडी, तो पानी पिलाते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से व्यू है, यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है डीजे वीजे का सारा सिस्टम। ये हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये पूरा म्यूजिक सिस्टम कीबोर्ड वगैरह लगा हुआ है। हमारे समीर भाई हंसते हुए जो कि पानी के लिए, हमारे सर लोग भी ये बच्चे सारे हमारे नीचे आते हुए परफॉर्मेंस देने के बाद आप देख सकते हैं वापस आते हुए हमारे बच्चे स्टेज से नीचे। आज का ये देखा, इन्होंने गाना बहुत अच्छा गाया हमारे पूरे सेंट्रल रेलवे ने, इसके लिए इनको बधाई हो। ये बोर्ड लेके आओ सेंट्रल रेलवे का, ये हमारे ताइडे साहब बोर्ड लेते हुए सेंट्रल रेलवे का। हाँ, ये हमारे उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट किया था, प्रोग्राम के सेटर यही है प्रणय भाई के साथ में। क्या बोलेंगे उपाध्याय जी आपको, कैसा अच्छा किया? लगा, हम जम्बूरी में आए हैं त्रिशलापल्ली, इतनी अच्छी टीम है हमारी, नागपुर भुसावल सोलापुर मुंबई पुणे पांचों मंडल हैं सेंट्रल रेलवे के, मिलकर सेंट्रल रेलवे में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो थी पैट्रियोटिक सॉन्ग, हम लोगों ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना गाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरी टीम मेरे साथ बनी रहे और अच्छा हम प्रदर्शन करते रहे। क्या बात है, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे नागपुर सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन के उपाध्याय जी ने आपको बहुत सारी जानकारी दी और ये बहुत अच्छे बंदे हैं और जो कि बहुत सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं क्या सेट कर लेते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ सेटिंग भी किया है। अभी वहाँ पे हम लोग खाना खा के ब्रेकफास्ट करके निकले, उसके बाद में ये आइसक्रीम खाते हुए, यहाँ पे आइसक्रीम भी मिल रही है, ये लोग आइसक्रीम खाते हुए सब भाग रहे और उसके बाद में यहाँ आइसक्रीम हमने लिया है मिक्स फ्लेवर्ड का। अभी आपको आइसक्रीम खा के टेस्ट बताते हैं किस तरीके से आ रहा है इसका। और ये आइसक्रीम का ट्रीट दिया है हमारे नॉर्दर्न रेलवे के दीनू भाई ने जो दिल्ली से है, और यासीन भाई ने सोलापुर सेंट्रल रेलवे से। यहाँ वेजिटेबल्स वगैरह भी मिल रहा है। तो भाइयों, अभी तो मैं खाने के किचन से हमारे निकल गया हूँ थोड़ा घूमने के लिए। आजू बाजू का एरिया, ये पूरा रेलवे एरिया है, रेलवे क्वार्टर से यहाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पूरा रेलवे का ट्रैक जेसीबी वगैरह रखा हुआ है, बहुत अच्छा एरिया है, शांत है, लेकिन गर्मी बहुत है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा रेलवे का ट्रैक्स वगैरह रखा हुआ है, और वो हमारा सामने कैंप साइट दिख रहा है आपको, कैंप एरिना। और ये पूरा आजू बाजू में रेलवे क्वार्टर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कबेलू वाले येल्लो येल्लो हार्ट्स जो बने हुए हैं, ये बंगलोस और पुराना स्टाइल में ये जेसीबी भी एक रखा हुआ है, ये पूरा रेलवे एरिया में। मैं भी जा रहा हूँ ना फ़ोटो बनवाने यहाँ पे स्टूडियो। अभी मेरा ड्रेस में ना हमारे यूनिफॉर्म में फ़ोटो नहीं था,
वो लोगों को फ़ोटो लग रहा है, मैं तो फ़ोटो बनवाने जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ मार्केट वगैरह का फ़ोटो स्टूडियो कहाँ है। अभी मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने कहा यहाँ से आधा एक किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पास में कुछ भी नहीं है। तो अभी देखता हूँ वहाँ पे फ़ोटो बन जाता है, क्योंकि एक दिल्ली की लड़की का भी फ़ोटो बनवाना है नॉर्दर्न रेलवे की, उसने भी मेरे पास दिया है कि आप जाएंगे तो बनवाना, आप फ्रेंड्स से फ्रेंड्स लोगों को तो मना नहीं कर सकते ना, तो किस तरीके से मना करूँ मैं उनको। तो मैंने सोचा उसका भी बनवा लेंगे हम लोग साथ ही साथ। यहाँ पे मुझे एक चर्च भी नज़र आ रहा है, गोल्डन रॉक तो इस एरिया का नाम है, आपको पता ही होगा, सब पुराना पुराना नज़र आ रहा है, शायद ये बहुत पुराना शहर लग रहा है मेरे को। ये आप देख सकते हैं ये चर्च है, अभी ये सामने से तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस ऊपर। हम यहाँ से जाके देखते हैं, पूछते हैं अम्मा को। हमने यहाँ पे अभी लिफ्ट ले लिया है एक्टिवा के ऊपर और हम फोटो बनाने के लिए हम जा रहे हैं, अंदर हमको लिफ्ट ले लिया है, तो हम लोग वहाँ पहुँच के बताते हैं आपको क्या है क्या। अभी अन्ना ने हमको ड्रॉप कर दिया, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी यहाँ से ऊपर जाके आपको मैं बताता हूँ शॉप से, फिर हम जाते हैं ऊपर फ़ोटो वगैरह क्या बना के देता है पता करते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ ये जलेबी में क्या क्या लिखा हुआ है, इनकी तमिल तेलुगू जो भी भाषा है उसके अंदर। ये मैं यहाँ इस बिल्डिंग में जाऊँगा अभी ऊपर और देखता हूँ कि क्या बना हुआ है यहाँ। ये देखो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग आ तो गए हैं यहाँ, अब शॉप के अंदर जाके पता चलेगा। ये लोग फोटो प्रिंट करते हैं कि मैं पूछता हूँ यहाँ की लैंग्वेज भी तो मुझे नहीं आती है, पता करता हूँ कि यहाँ फ़ोटो वगैरह प्रिंट होगा या नहीं होगा। भाई इन्होंने तो नहीं बोल दिया फ़ोटो प्रिंट होने के लिए, ये बोले हमारे पास प्रिंट नहीं होता है, अब देखते हैं। इन्होंने कहा आगे के कॉम्प्लेक्स में जाओ और फ़ोटो प्रिंट कराओ, देखता हूँ अभी वहाँ फ़ोटो प्रिंट होता है या नहीं होता है। अब वो बोले स्टेट बैंक में जाओ, वहाँ तो काम हुआ ही नहीं, स्टेट बैंक के पास में है एक फ़ोटो प्रिंट करने के लिए, अब मैं देखता हूँ वहाँ होता है या नहीं होता है, आपको वो कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ। ये आ गई स्टेट बैंक, ये है वो कॉम्प्लेक्स, यहाँ फ़ोटो तैयार होता है या नहीं होता है पता करते हैं हम लोग। अब फ़ोटो का भी यार बड़ा बवाल है। ये यहाँ पे हमने अन्ना से पूछा है यहाँ फ़ोटो प्रिंटिंग, अन्ना ने बोला हो जाएगा। और एक किराना शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ फ़ोटो प्रिंट कर देते हैं, ये किराना शॉप है इसके अंदर हम लोग जाएंगे और फ़ोटो प्रिंट करवाएंगे, देखते हैं इनसे पूछते हैं क्या रेट है क्या नहीं है। यहाँ चप्पल बाहर निकालना है पहले, तो एक छोटा सा स्टोर है भाई। हम लोग एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप में आ गए हैं, यहाँ सब कुछ किराना सामान भी मिल रहा है, ग्रॉसरीज आइटम, यहाँ पे फ़ोटो भी प्रिंट हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ छोटी सी शॉप कैसी बनी हुई है, तो बड़ी छोटी सी लेकिन अवेलेबल जेरोक्स वगैरह डीओ जो रेगुलर यूज़ का सामान है सारा अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा सामान अवेलेबल है यहाँ, चॉकलेट्स वगैरह भी मिल रही है और स्टेशनरीज में डीओ वगैरह ये सब अवेलेबल है। अभी हमने फ़ोटो का प्राइस पूछा है कितना प्राइस लगाते हैं, उसके हिसाब से हम आपको, अंदर भी है शॉप देखते हैं, जेम्स वगैरह भी दे रहे हैं वो लोग, यहाँ मिल रहा है। अपन तो वहाँ से निकल गए और निकलने का कारण क्या था कि वहाँ फोटो उन्होंने कहा रुको वेट करो। अरे यार भाई क्या चूतिया लोग हैं कि वेट करो, अरे वेट करके बता ही नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर बाद में बोलते हैं आ जाओ अंदर। अंदर गया तो बोलते फ़ोटो मेल करो, फ़ोटो मेल किया तो कहते हैं हाँ ठीक है प्रिंट करके दे रहे हैं, फिर रुका लिया रुकाने, एक तो अपने को इनकी लैंग्वेज समझती नहीं है। फिर रुकाने के बाद में क्या किया उन्होंने, बोले पेपर नहीं है आप किसी और स्टूडियो से प्रिंट करवा लो, जाके आगे भैया फ़ोटो निकलवा लो। ये कौन सी बात हुई यार, पहली बंदा बोल देता तो मैं और कहीं से निकलवा लेता। अच्छा चलो छोड़ो, आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ देखो त्रिचापल्ली सिटी का आपको मैं एक बोर्ड बताता हूँ और यहाँ के रास्ते बताता हूँ कहाँ कहाँ कौन सा जा रहा है। ये देखो त्रिचिरा टाउन, त्रिची टाउन, रामेश्वरम और पता नहीं क्या क्या, एयरपोर्ट का रास्ता, मदुराई का रास्ता और डिंडीगुड़ी का। ये देखो आप मस्त एकदम त्रिचिरापल्ली कॉरपोरेशन का ऑफिस है यहाँ कहीं आगे आपको नज़र आएगा। मैं इसी रोड से अभी आया था, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको ये पूरा वही है, ये आपको अभी मैंने जो रोड दिखाया, बढ़िया फोर वे हाईवे है घूमने के लिए, बढ़िया मज़ा आ रही है। अभी देखता हूँ है यहाँ या नहीं, ये फोटो बनता है नहीं बनता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार, ज़रूरी है वो लग रहा है। ये एक पेट्रोल पंप वगैरह भी है यहाँ पर, अरे सामने पता नहीं क्या है, इनकी लैंग्वेज तो आती ही नहीं है अपने को पढ़ना, अब आगे देखते हैं कहाँ है क्या है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, बस ऐसे ही पागल बनने वाले काम है यहाँ, और कुछ है ही नहीं।
पागल बनते रहो, अपना घूमते रहो, इनकी लैंग्वेज तो समझ आती नहीं है। अब एक फ़ोटो बनाने के लिए मैं 5 किलोमीटर आ गया चल चल के लिफ्ट ले लेके, अब पता नहीं चल रहा है यहाँ कहाँ जाऊँ फ़ोटो बनवाने के लिए। कोई स्टूडियो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या करना पता नहीं। आपको यार सजेशन दो, कोई त्रिचिरापल्ली का हो तो कमेंट में बताओ, स्टूडियो कहाँ है, मार्केट कौन कौन सी अच्छी है, और त्रिचिरापल्ली में हम घूमेंगे कहाँ और क्या घूमेंगे। यहाँ बस वाली, ये बस स्टैंड है लगता है, यहाँ पीछे से बस जा रही है ना, ये बस स्टैंड है। मैंने काम तो बढ़िया कर रखा है, सेव वाटर के लिए कुछ मॉन्यूमेंट बना के रखा हुआ है। अब देखते हैं, ये चौराहा ही चौराहा है और यहाँ से कहाँ कहाँ रास्ते जा रहे हैं पता नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे भी नहीं समझ आ रहा है, क्या बताना यार, मैं घूम घूम के इतना परेशान हो गया ना यहाँ। और ये नारियल तो यहाँ तमिलनाडु में उतना होता नहीं है, 50 रुपये का एक नारियल दे रहा है, और यही रेट तो हमारे यहाँ मुंबई में भी 50 रुपये का ही नारियल है। अब यहाँ फोटो स्टूडियो नहीं मिल रहा है यार, एक प्रिंट का लैब नहीं है। मतलब कहते हैं साउथ बड़ा डेवलप्ड है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अन्ना फोटो स्टूडियो, फोटो इधर है ही नहीं, वो पता नहीं चल रहा है, इनको भी घंटा लैंग्वेज आती नहीं है। अब पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और अभी खाने का भी टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है आफ्टरनून का, मेरे को बड़ी भूख भी लग रही है। वहाँ हमारे साथी लोग खाना भी रेडी कर रहे होंगे कैंप साइड एरिया में, और मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, भटक रहा हूँ बस। आपको एक रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ के, रोड में तो नो डाउट है, रोड आप सिटी में 4-way देख लेंगे। ये देखो आप रोड किस तरीके से त्रिचिरापल्ली के। अब जाके फाइनली जाके एक स्टूडियो मिला है। ये लोग आर्ट कॉपी का 120 रुपया बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं 120 तो मैं दूंगा नहीं, एक्चुअली मेरे को आर्ट और आर्ट 16 कॉपी निकलवानी है, मैं उसका 100 रुपीज़ आपको दोनों का दूंगा, वरना 60 करके 120 मांग रहा है, पहले तो 80-81-60 मांग रहा था, अभी उसको मैंने फोटो व्हाट्सअप किया है, अभी प्रिंट निकाला है, जब मैं 100 रुपीज़ दूंगा तो देखता हूँ क्या। एक छोटा सा स्टूडियो मुझे मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो कैसा है। मैं स्टूडियो के अंदर ही खड़ा हूँ, यहाँ देख सकते हैं मेरे बैक में स्टूडियो दिख रहा है, और सामने एक मंदिर वगैरह भी है यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल मंदिर पे, ये मंदिर पे गाना वगैरह चल रहा है, ये मंदिर है, और मंदिर से मैं अंदर आया तो इधर एक आपको स्टूडियो दिखेगा। ये आप बिल्कुल ऐसे आएंगे ना तो ये यहाँ लगा हुआ है स्टूडियो, ये अन्ना का कन्नड़ा में लिखा हुआ है ये स्टूडियो, बिल्कुल यहाँ अंदर आया मैं, और अब इनको पैसा बहुत मांग रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये अन्ना का लैब है, फोटो स्टूडियो का, ये अन्ना फोटो बनाते हुए लैब में, और ये भी अन्ना के लैब में खड़ा हूँ, यहाँ पंखा भी लगा हुआ है बढ़िया सा, अन्ना भी फोटो बना रहे हैं, देखता हूँ अभी बनाने का, फिर लेके जाता हूँ, टाइम तो काफ़ी हो गया है मुझे भी वैसे। ये अन्ना कैमरा वगैरह रखा हुआ है और अन्ना यहाँ मेरा फोटो बना रहे हैं। ये देखो यहाँ फोटो कैसा प्रिंट आ रहा है बाहर हमारे भाई का, और ये लड़की है, ये बच्ची जिसका फ़ोटो बनवाया था नॉर्दर्न रेलवे की, और ये मेरा फ़ोटो प्रिंट बाहर आते हुए। ये अन्ना ने इतने से काम के 120 रुपये ले लिए, अब देखते हैं काम तो हो गया, चलो भाई अब स्टूडियो से काम तो हो गया, अब काम हो गया, अब हम लोग निकलते हैं, मेज की तरफ जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट, फिर वहाँ खाना वाना क्या है बच्चों को बांटेंगे, फिर खुद खाएंगे, फिर उसके बाद का प्रोग्राम क्या है फिर मैं आपसे वहीं मिल के वहीं पहुँच के बताता हूँ। अन्ना को मैंने 120 रुपये दे दिए हैं, फोटो ले लिया है और चल देता हूँ। अभी मैं स्टूडियो से बाहर निकला था, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पर चक्की वगैरह भी, आपको चक्की दिखाता हूँ, ये यहाँ पे चक्की में ये अन्ना कर रहे हैं, पूरा सामान लगा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये भगवान का फोटो है, यहाँ हल्दी मिर्ची निकाली जा रही है, अब ये अन्ना हल्दी मिर्ची निकाल रहे हैं, और यहाँ कांडप मशीन बोलते हैं, ये कूट के दे रहे हैं। अब मैं ये चक्की में से निकाल रहा हूँ और सीधा आपको वहीं मिलूँगा मैं। ये अब मैं अपने कैंप एरिना के पास ही आ गया हूँ, ये मेन गेट है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, ये जो रोड है आगे जाके फिर आपको रेलवे ग्राउंड लगता है, तो हम इस गेट के अंदर जा रहे हैं, और अब हमने हमारे कैंप एरिना में एंट्री ले लिया है। थोड़ा आगे जाऊँगा तो मैं रेलवे ग्राउंड है, यहाँ पे शायद कुछ हमारा रेलवे का ऑफिसर्स क्लब वगैरह भी है, और अब अंदर तो खाना सब बांटने का टाइम हो चुका है, खाना वाना रेडी कर दिया होगा बाकी लोगों ने, और बच्चे लोग ले रहे होंगे, अंदर जाके मैं देखता हूँ क्या पोजीशन बनी हुई है अंदर। अभी हो गया है इवनिंग, और इवनिंग के टाइम पे अभी हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, अभी पार्टिसिपेंट्स लोग को डांस वगैरह करने जाएंगे, अपना अपना जो भी शो लिया है, इवेंट लिया है, वो करने जाएंगे। अभी हम लोग उस शो के लिए हमारे लड़के लड़कियों को स्काउट एंड गाइड को साड़ी पहना रहे हैं, उनका कॉस्ट्यूम्स रेडी कर रहे हैं, उसके लिए मैं A to Z में फ्री सर्विस से सेफ्टी पिन लेने आया हूँ। मैं A to Z में आया और उन्होंने कहा कि हमने पूरा सेटअप पैक क्लोज कर लिया है, पैक कर लिया है, और अभी हमको सेफ्टी पिन नहीं मिला, अब देखते हैं क्या करेंगे।
देखते हैं अभी क्या करेंगे, सेफ्टी पिन नहीं मिला है तो क्या कभी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कॉस्ट्यूम्स रेडी करने के लिए। और उन्होंने कहा हम सुबह 10:30 बजे ओपन करते हैं। और इस वक्त शाम के समय किचन में खाने की तैयारी होती हुई, और इसी में कंप्यूटर लेके बैठे हमारे दिनेश भाई, और ये रजिस्ट्रेशन करते हुए सभी का नाम जो कि इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ खाने की भी तैयारी चल रही है, और हमारे ताइड़े सर रोटी सेकते हुए, और समीर भाई, और सक्षम क्या गायब हो गया सर, ताइड़े सर रोटी सेकते हुए, और समीर भाई। और अभी किचन में यहाँ अभी हम लोग खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ये बाहर कंपटीशन के लिए तैयार करते हुए बच्चों को, वहाँ कांदे की भी कटिंग चल रही है, और यहाँ रोटियाँ कुछ इस तरीके से सेक के रेडी है। आप देख सकते हैं रोटी कुछ इस तरीके से ताइड़े सर ने सेक दिया है समीर के साथ में मिलकर। अभी यहाँ बिल्कुल इसी तरह से चढ़ रहा जोना ताली बजाए रे, जोना ताली बजाए रे। अब हम अपने कैंप एरिया में आ गए हैं, और यहाँ कुछ इस तरीके से माहौल है। आप देख सकते हैं कैंप एरिया में आने के बाद पूरा माहौल मजे के साथ है एकदम। यहाँ बहुत रश है, पब्लिक आई हुई है देखने के लिए, दूर दूर से पूरा त्रिची पब्लिक जमा हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रश नज़र आ रहा है। ये देखो व्यू का, प्रस्तुत है नॉर्दर्न रेलवे पंजाबी भांगड़ा लोक नृत्य के साथ। इनके बाद तैयार रहेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे। पंजाब गुरुओं के विराजित धरती है, आज आपके समक्ष नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि बैसाखी का मेला गेहूं की कटाई के समय किसान खुशी में नाचते हैं, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। पहला जपद गुरुआ मनावा हा, वो थर थर वैरी कंबद संगे कमदाने हैं, हस के जानू तो होर दिया पुत्रा नुमावा, चतरा कसनेरी तप्ती में ओ मोला रंगे है। सेंट्रल रेलवे के बच्चों से मिलवाता हूँ, बढ़िया एकदम उन्होंने गेटअप किया हुआ है। ये उपाध्याय जी
गेटअप करके समीर के साथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये हमारी गाइड से गाइड हुई है हमारे नागपुर वाले सब, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ गेटअप। हाँ पूरा गेटअप दोस्तों। आज का वीडियो ही एंड करते हैं क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और रात के 2 बज गए। हम लोग का खाना वगैरह सब हो गया और अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। तो इससे अच्छा हम लोग ज़्यादा रात तोड़ हो और हमारी नींद ख़राब हो, इससे पहले हम सो जाएंगे। सभी को गुड नाइट और अगला वीडियो अगला पार्ट कल देखते हैं, कल सुबह उठने के बाद क्या होता है। बाय, गुड नाइट।